देखिए, लास्ट लेक्चर में आपने ये सीखा था कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा जाता है और किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, ये आपने सीखा था। कई तरह के इम्पोर्टेंट रिलेशंस थे, डेरिवेशंस थे जो आपको वहां पर बताए गए थे, और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस ही है जिसके थ्रू आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार याद कर सकते हैं। जरा एक बात डिफाइन करो, अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन जल्दी से चैट में लिख के बता दो क्या होगी। लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फटाफट बता दो, देखें किस बच्चे को याद है, किसकी डेफिनेशन करेक्ट रहती है। देखते हैं लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, देखो किसी का जवाब आया। खुशी खुराना, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली ठीक है, नॉट कंप्लीटली। कौशल, चलो मानते हैं, मतलब बारीकी से लेक्चर नहीं सुना इसका मतलब पिछला। एक जनरल बात तो ठीक थी, बट मैंने फिर भी एक स्पेसिफाइड बात आपको बताई थी, आपको वो स्पेसिफाइड बात बतानी है। ये आदि का जवाब ठीक है, बिल्कुल ठीक है आदि का जवाब। इशिता थोड़ा सोचो, प्रांजल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट प्रांजल, शाबाश। जनरली लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसे लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बताया था ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती। दिशा थोड़ा सा और सोचो, इशिता और सोचो थोड़ा सा, सरस्वती ठीक है। लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मैं कहता हूं तो मैं ये कहूंगा कि आर रिएक्शन इन टाइम पीरियड इन विच 98% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीट, जिसमें 98% रिएक्शन पूरी हो जाती है, उसे हम लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, उसका लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है एवरेज लाइफ किसे कहते हैं, एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन? देखो मैंने बताया नहीं था, हाँ पहले बैच में बताया मैंने, लेकिन लास्ट टाइम डिजिट इस लाइव क्लास में नहीं बताया था। लेकिन क्या किसी बच्चे को याद है पिछला कि एवरेज लाइफ किसे कहा जाता है, एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, यहीं से मालूम पड़ जाएगा। कौशल ठीक, प्रांजल वेरी गुड, आदि शाबाश, करेक्ट आंसर। तीन बच्चों का जवाब सही, चौथा इशिता भी सही है, आर्यन भी सही है। एवरेज लाइफ का मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें 72% रिएक्शन कंप्लीट होती है। जिन बच्चों को इसका जवाब नहीं पता था वो नोट कर लेंगे, वो लिख लेंगे, वो टाइम पीरियड जिसमें 72% रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे एवरेज लाइफ कहा जाता है, वो टाइम पीरियड जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हाफ लाइफ कहा जाता है, और वो टाइम पीरियड जिसमें अबाउट 98% रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हम लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। नाउ अब जरा ये कुछ रिलेशन सॉल्व करते हैं, रिलेशन करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। सामने जैसे कि आप देख सकते हो लिखा ही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T50%, T75%, और आप समझ सकते हो इसकी जगह पे लिखा हो सकता था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T½ एंड T¾, ये लिखा हो सकता था, या T.5 और T.75 भी लिखा हो सकता था। किसी भी तरह से लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। T50% और T75% इसमें रिलेशन बताना है। मैक्सिमम बच्चे इस बात को जानते हैं, फिर भी सीख लें, अगर एक भी बच्चा इस चीज को नहीं जानता तो हमें उसे सिखाना ही है और आपने सीखना ही है। तो ये देखो, ये हमारे पास रिलेशन हुआ,
टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 बाय के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट क्या था ये हमें याद होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या था ये भी हमें पता होगा, कंसंट्रेशन लेफ्ट, ये हमें पता होगा जितना अमाउंट बचता है कंसंट्रेशन लेफ्ट उसे कहा जाता है। अब जरा यहाँ पर हम रिलेशन करते हैं। सबसे पहले टी 50% का एक्सप्रेशन निकालोगे, टी 50% का एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर टी 50% का एक्सप्रेशन करना है तो इस टाइम को क्या लिखोगे, 50%, ठीक है, टाइम को लिख दिया 50%, ये लिखा 2.303 बाय के लॉग। अब अगर परसेंटेज में निकाल रहे हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लिया जाएगा, ए नॉट 100 मान लिया जाएगा, सो दिस इज 100, और ए क्या माना जाएगा, ए है कंसंट्रेशन लेफ्ट, कंसंट्रेशन लेफ्ट, यानी जितना रिएक्शन हो गई उसके बाद जो बचा, जो रिएक्शन हो गई उसके बाद जो बचा कंसंट्रेशन लेफ्ट, और कंसंट्रेशन लेफ्ट में ये कितना है 50% रिएक्शन हो गई तो बचा भी कितना 50%, और यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो आप समझ सकते हो टी 50% 2.303 अपॉन के लॉग टू, लॉग टू आप अच्छे से जानते हो कितना होता है, दिस इज 2.303.3010 डिवाइडेड बाई के। इस तरह से ये हमारा टी 50% का रिलेशन बनेगा। ऐसे ही T75% का रिलेशन बना लो क्या बनता है, और फिर उनको आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर दो तो आप समझ पाओगे कैसे लिखेंगे, T75% 2.303 के log 100 अपॉन, बताना अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर ए नॉट 100 लिया क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लिया, अब ए क्या आएगा, ओके सही जवाब, अभी तक के जो भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही, शाबाश, ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट। टी 75% का मतलब 75% रिएक्शन हो गई तो बचा कितना 25 को यहाँ पर सॉल्व किया तो T75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 4, और आप अच्छे से जानते हो लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, ये पहले भी बता रखी है 0.6020। इस तरह से कुछ भी रिलेशन बताने को कहा जाए पहले दोनों का इंडिविजुअल निकाल लिया, अब क्या करो एक दूसरे को डिवाइड कर दो, यानी T50% को T75% से या T75% को T50% से डिवाइड कर दो, जो आपको आसान लगे, तो T50% 2.303.3010 बाय के, और T75% है 2.303.6020 बाय के, बस कैंसिल कर दो और आप समझ पाओगे ये सॉल्व करके आएगा T50% डिवाइडेड बाय T75% इज इक्वल टू 1/2, और T75% इज इक्वल टू 2 × T50%, ये हमारे पास रिलेशन आएगा, ये हमारे पास जवाब आएगा। इस तरह से आपने इन रिलेशंस को करना है, ये रिलेशन आपको इस तरह से बताने होंगे, एंड आई थिंक आप में से हर बच्चा आप बता पाएगा। जल्दी से मुझे बता दो T99% और T90% में क्या रिलेशन है, जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, T99% इज इक्वल टू हाउ मच T90%, ये जल्दी से सॉल्व करके बता दो इसका जवाब क्या बनता है, ये जल्दी से देख लो, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना हाथ की सफाई हो जाएगी, हाथ अपना बढ़िया से काम करने लगेंगे और अच्छे से जवाब दोगे। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा, मैंने कोई मुश्किल लॉग नहीं दिए, आसान से लॉग हैं, ये वैल्यू आप बता सकते हो, कौशल का जवाब ठीक है, करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, प्रांजल ठीक है, मनस्वी करेक्ट, गुड, सही जवाब है, आयुष गलत है बेटा,
इशिता ठीक है, आदि ठीक है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। और देखो प्रगति का जवाब भी सही है, वेरी गुड, ये भी सही आंसर है, दिशा करेक्ट, सोनाक्षी करेक्ट, सोनाक्षी का जवाब भी सही है, सही जवाब। खुशी खुराना बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही है, जो भी जवाब आए हैं, जिस जिस बच्चे ने जवाब दिया है, पहले T99% निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 1 ये हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो T99% इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 100, लॉग 100 2 होता है, तो T99% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के इनटू 2, ये T99% हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही T90% निकाल लेंगे तो T90% में क्या आ जाएगा, T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 10, 90% रिएक्शन हो गई, और ये सॉल्व किया तो T90% इज इक्वल टू 2.303 बाय के इनटू 1, क्योंकि लॉग 10 1 होता है, बस अब एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, T90% और ये फटाफट से सॉल्व होगा, आसान सी चीज एक बार में ही तुरंत हमसे हो जाएगा, और वी कैन अंडरस्टैंड ये क्या आएगा, T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%, ये हमारे पास जवाब बनता है, ये हमारे पास जवाब आता। तो इस तरह से ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये हमने किया। अब जरा ये और कर दो, लास्ट कर दो, T99.9% इज इक्वल टू हाउ मैनी T50%, ये कर दो, T99.9% और T50% इनमें रिलेशन बताना है, जल्दी से बता दो कितना आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से करो, गड़बड़ी ना हो। कोई जवाब, इसको होल नंबर ले लो आयुष, होल नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही जवाब हो जाएगा आपका। हाँ कौशल नहीं, ध्यान से करो, सोनाक्षी का जवाब सही है, करेक्ट सोनाक्षी, बिल्कुल करेक्ट। दिशा इसको होल नंबर ले लो, ठीक है, प्रगति ठीक है, करेक्ट, प्रांजल भी ठीक है, वेरी गुड, इशिता होल नंबर ले सकते हो इसको, ये भी ठीक है, बट होल नंबर भी लिया जा सकता है। मनस भी ठीक है, करेक्ट। अरे नहीं बेटा, अरे नहीं, ये जवाब नहीं है, आपका जवाब आना चाहिए T99.9% इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली T into T50%, ये जवाब आना चाहिए,
एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट टी 99.9% टेक 10 टाइम्स देन टी 50%। तो आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, वो भी जरूरी है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा हमने, उस पे न्यूमेरिकल। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें खास बात यह है कि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थे, जो हमारे अब सिलेबस में नहीं है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ना करके जनरल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ही करें, वही आपके लिए सफिशियंट होगा। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला क्या क्या इस्तेमाल होगा, तो आप सभी बच्चे इस बात को समझ सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। अगर आपको टी हाफ के बारे में कुछ कहा जाता है तो 0.693 बाय के। ऐसे ही टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नॉट अपॉन ए। भूलना नहीं, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए है कंसंट्रेशन लेफ्ट, ए है कंसंट्रेशन लेफ्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको बताना है अमाउंट रिएक्टेड, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं जिसमें अमाउंट रिएक्टेड निकालना हो, तो क्या वैल्यू निकाली जाएगी? ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए है कंसंट्रेशन लेफ्ट। तो अगर आप ए नॉट माइनस ए की वैल्यू निकाल देते हैं तो वो अमाउंट रिएक्टेड आएगा, अमाउंट डिकम्पोज आएगा। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप इसके न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स का जवाब आसानी से आप दे पाएंगे, अगर आपको ये पॉइंट आसानी से यहाँ पर क्लियर होगा। कर लेंगे ना? अच्छा, अगर सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको अगर क्वेश्चन देता हूँ तो देखते हैं कैसे जवाब निकालते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, क्या कोई बच्चा जवाब बता सकता है क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के गिवन है, आपके पास के गिवन है। अच्छा ये मत करो, जस्ट देख लो कैसे होगा, क्योंकि ये तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। के गिवन है, टी हाफ निकालना है, आप अच्छे से जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। 0.693 को के से डिवाइड कर देंगे, सिंपल आपका जवाब आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, हर बच्चे से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सेकंड भी देखो, एक वार्म अप एक्सरसाइज, वार्म अप सामने देख सकते हो, टी हाफ गिवन है, के निकालना है, सेम हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो भूलना नहीं, जो जो फार्मूले बताए हैं उन फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा दो, एक न्यूमेरिकल अब आप करके दिखा दो, नहीं होगा तो हम बताएंगे, ट्राई करो, देखो आपसे कितना सॉल्व होता है। सामने आपको न्यूमेरिकल गिवन है, ध्यान से पढ़ो और जवाब बताने की कोशिश करो कि इसका जवाब क्या बनता है। न्यूमेरिकल आपका सामने है, जो लॉग चाहिए वो वैल्यू आपको दी गई है, आपने सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फार्मूला आपका वही है, टाइम टेकन 2.303 के लॉग ए नॉट बाय ए। बस वैल्यूज को पहचानो, वैल्यूज कौन कौन सी हैं और उन वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दो, आपका जवाब आपके पास आ जाएगा। वैल्यूज को पहचानते हुए ऐड करते हुए अपने जवाब तक जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करो। कैलकुलेटर आपके पास है ही, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और देखें क्या जवाब आप निकाल पाते हैं इस सवाल का। करो ट्राई, करो, थोड़ी सी गलती है प्रांजल, थोड़ी सी गलती है, ध्यान से देखो कहीं पॉइंट में एरर है, पॉइंट की एरर है। आरएन का जवाब ठीक है, आरएन का जवाब बिल्कुल ठीक है।
सोनाक्षी पॉइंट्स में दिक्कत है बेटा, पॉइंट को चेक करो, कैलकुलेशन दोबारा से कर लो। आयुष ठीक है? हाँ प्रांजल अब ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब जवाब ठीक है? और क्या बच्चा, देखो फार्मूला भी सामने है, न्यूमेरिकल सामने है, वैल्यू पुट करनी है। इशिता ठीक है, प्रगति ठीक है, कौशल ठीक है, आदि सही है। भूवि काम नहीं कर रही बेटा आज, जल्दी से काम करो। आदित्य भूवि देखो क्या जवाब आता है आपका, क्योंकि जब तक आंसर बताओगे नहीं, देखो जब तक कोई इवैल्यूएट नहीं करता तब तक हमेशा यही लगता है कि हम सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती इवैल्यूएशन के बाद ही आती है। तो इसीलिए बहुत सही जरूरी है आप सही ढंग से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, वो आपके लिए जरूरी होगा। हर प्रॉब्लम पे काम करो, पहले देख लो क्या गिवन है। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो जो चीजें दी गई हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी के 10^-3 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 10 ग्राम रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम यानी इनिशियल, वो भी अप्रोक्सीमेटली ठीक है। आदित्य वेरी गुड, ठीक है, मनस्वी का ठीक था और दिशा का ठीक है। तो वी कैन से ए नॉट की वैल्यू यहाँ पर आएगी 10 ग्राम, ए अमाउंट लेफ्ट ये है 2.5 ग्राम, जस्ट पुट द वैल्यू, टी इज इक्वल टू 2.303 10^-3 लॉग 10/2.5, 4 पे गया लॉग 4 गिवन है आपको 2.303 इंटू 0.6021 डिवाइडेड बाय 10^-3 और सॉल्व करके 1386.6 सेकेंड ये हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा, ये जवाब आएगा। इस तरह से हर बच्चे से सॉल्व हो जाता, हर बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, कहीं ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं, जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आपको बता ही दिया क्या रहेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ये समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना, देखते हैं कौन बच्चा जवाब देता है। इंपॉर्टेंट मार्क किया जा सकता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। T 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट, फाइंड आउट T half, करो। चलो देखते हैं क्या जवाब आता है इस क्वेश्चन का, देखते हैं क्या जवाब बनता है यहाँ पर। चलो ट्राई करो। हाँ प्रांजल ने तो याद कर रहा, कहाँ से लगता है तुरंत आ गया जवाब। अधिकारी आ गया, आयुष नहीं, कौशल आ गया, ठीक है। अच्छा वेरी गुड प्रांजल, आयुष ठीक है। हाँ प्रांजल ठीक है, बात तुरंत सॉल्व हो भी जाएगा ये, अगर आपने सही फार्मूला यूज किया है तो आप बिल्कुल इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो जैसा कि किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुष का जवाब ने बताया ना आप, ठीक है। ये न्यूमेरिकल दो तरीके से हो सकता है, इशिता ठीक है, आर्यन ठीक है, दो तरीके से हो सकता है, एक बड़ा मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। बड़ा मेथड क्या हो सकता है वो बताते हैं। आदित्य वेरी गुड, शाबाश, आर्यन का भी आदित्य का भी बिल्कुल सही जवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में। देखो इस क्वेश्चन में टी हाफ बताना है, टी हाफ का मतलब T 50% बताना है और T 50% का मतलब 0.693 बाय के, के की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, के की वैल्यू बतानी है। के की वैल्यू अगर पता हो तो T 50% निकाल सकते हो। आपको T 75% दिया गया है, T 75% का एक्सप्रेशन आप जानते हो, अभी मैंने सिखाया था के लॉग 100/25, T 75% 60 है, ये 2.303 है, ये K है, ये log है, ये 100 है, ये 25 है, 4 पे जाएगा। यहां से K की वैल्यू को निकाल सकते हो log 4.6020
और उस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो। एक मेथड तो ये है जो कि मेन मेथड है, बड़ा मेथड जरूर है, मेन मेथड है कि एक से के की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट की, प्रगति आपका जवाब ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हो, या दूसरा क्या कर सकते हो, अभी आपने रिलेशन निकाला था T75% इज इक्वल टू 2 × T50%, और यहां से आप T75% 60 है, T50% निकालना है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपके दोनों जवाब बिल्कुल ठीक हैं, दोनों मेथड बिल्कुल ठीक हैं, आपका जवाब आएगा। लेकिन बात यही है, सेकंड मेथड अगर रिलेशन याद है, एग्जामिनर गुगली खेल जाएंगे, वो कहेंगे T60% इतना, T40% निकालो, तो वहां गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों मेथड याद रखो, एक में एक से के की वैल्यू निकाली, दूसरे में के की वैल्यू पुट की, इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपका जवाब सामने के सामने आ जाएगा। ये आपका जवाब यहाँ पर बना रहेगा 30 मिनट, ये रहेगा। अब जरा होमवर्क में दो क्वेश्चन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, जवाब भी सामने है। इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना, देखना आपका जवाब क्या बनता है। होमवर्क में सही, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करें, आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछना। यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट रिएक्ट अमाउंट डीकम्पोज, यानी आप पहले इस फार्मूले से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, के ए नॉट 100 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकाल लो। और फिर मैंने बताया था अमाउंट लेफ्ट क्या होता है, ए नॉट माइनस ए नॉट तो 100 है, यहां से ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, आपके दोनों ही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, दोनों ही क्वेश्चन का मेथड यही रहेगा। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको करने हैं, कर लेंगे ना, गुड। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट वन, अब देखो हमारे पास इन फार्मूलों के बेसिस पे न्यूमेरिकल हो चुका, अब एक फार्मूला और लिखो, टी हाफ ऑफ फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ सेकंड केस इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड केस डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट केस एन माइनस वन, एन है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा फार्मूला। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पर आपको कुछ टी हाफ गिवन होंगे, ए नॉट की वैल्यू गिवन होगी, ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, वैल्यू पुट करनी होगी, ऑर्डर निकालना है यानी एन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहला क्वेश्चन मैं सामने दे रहा हूं, फॉर अ रिएक्शन टी हाफ इज 100 मिनट, मेरे साथ साथ करना, एट certain initial concentration, when concentration is doubled, it become 25 minute, find out order of reaction, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताना है। चलो करो जल्दी से, वैल्यू पुट करके देखो, टी हाफ ऑफ इनिशियल, टी हाफ ऑफ फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ सेकंड केस, इस तरह से जवाब आएगा। प्रांजल ठीक है, कौशल ठीक है, जवाब ठीक है, तुरंत वैल्यू पुट होंगे, तुरंत के तुरंत आंसर आएंगे। न्यूमेरिकल मुश्किल तभी माना जाएगा जब आप उसको मुश्किल बनने देंगे, लेकिन अगर आप उसको मुश्किल बनने ही नहीं देंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। इशिता का जवाब ठीक है, मनस्वती गड़बड़ है, मनस्वी थोड़ा चेक करो, आयुष का जवाब ठीक है, करेक्ट है, आदि का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।
ऐसे ही हर टाइप के एक एक दो दो न्यूमेरिकल कर लो, कितना सारा पोर्शन तो इस चैप्टर में से डिलीट ही हो गया है। तो इसीलिए जो आसान सा पोर्शन है उसी पे अच्छे से ध्यान दे लो, उसी में बात बन जाएगी। इन्हीं एक देखो, फर्स्ट टी हाफ ये रहा, सेकंड टी हाफ ये रहा, तो फर्स्ट टी हाफ की वैल्यू 100 होगी, सेकंड टी हाफ की वैल्यू 25 होगी। इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट केस सर्टेन एक्स मान सकते हो और दूसरे में उसको डबल किया, तो आप इस बात को ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट केस 100 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट केस एक्स और फिर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया 2x, टी हाफ ऑफ सेकंड केस 25 मिनट। इन वैल्यू को पुट कर दो, सोनाक्षी मनस्वी सही जवाब है। तो इस तरह से 100/25 और ये बनेगा 2x/x, x कैंसिल आउट। अब n की वैल्यू क्या रखें कि ये 4 आ जाए, 2n-1। n की वैल्यू क्या रखें, n अगर 3 होगा, 3-1, 2, सो वी कैन से n इज इक्वल टू 3, ये जवाब। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हमारा जवाब यहाँ पे बन जाएगा, ये आंसर आप यहाँ से बता सकते हैं, ये रहेगा। ऐसे ही एक और सॉल्व कर दो, फिर बहुत हो जाएगा। टी हाफ 100 मिनट एट सर्टेन कंसंट्रेशन व्हेन कंसंट्रेशन इज हाफ, कंसंट्रेशन को हाफ किया, देन टी हाफ बिकम 200 मिनट, ये रहा 200 मिनट, टी हाफ बिकम 200 मिनट। फाइंड ऑर्डर ये कहा गया। अब देख लो ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दो, क्या जवाब बनता है देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व होता है तो बता दो, जवाब भी आ गए। प्रांजल, आदि, इशिता, कौशल करेक्ट, दिशा करेक्ट, मनस्वी ठीक है, आयुष ठीक है, सोनाक्षी भी ठीक जवाब है, खुशी का जवाब भी करेक्ट है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही है। टी हाफ सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को एक्स मान लो, ए नॉट यानी ए वन आपका ए नॉट वन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका टी हाफ गिवन है आपको 100 मिनट। फिर कहा गया है कंसंट्रेशन को हाफ किया गया, ए नॉट टू एक्स बाय टू, टी हाफ हो गया 200 मिनट। बस वैल्यू पुट कर दो आर्यन, एन का जवाब 2 आएगा, एन विल बी 2, ये रहेगा। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा एन विल बी 2, ये ध्यान रखो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, अच्छा एक और करो क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज में भी बनते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, तो जरा देखते हैं इसमें क्या प्रैक्टिस रहती है। हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इज 50 मिनट एट सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन किसी कंसंट्रेशन पे इतनी है, when concentration is reduced to half half of initial value half of initial value, t half is reduced to 25, कैलकुलेट ऑर्डर, ये बताओ
क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? अच्छा कौशल का जवाब आ गया, बताते हैं अभी कौशल, बाकी बच्चे भी करो ध्यान से। प्रांजल कौशल ओके, और देखते हैं और बच्चे क्या कहते हैं। आयुष ठीक है, प्रांजल कौशल भी ठीक है, आयुष भी ठीक है। इसमें कई बार गड़बड़ी हो जाती है वैसे इस क्वेश्चन में, तभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है अलग से। आर्यन का जवाब भी ठीक है, करेक्ट। यस मनस्वी करेक्ट, सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हों कई बार कहते हैं ना कि भाई आउटसाइड द सिलेबस थे, आउटसाइड द सिलेबस में से आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली इसको बताया जा सकता है और ये आप बता ही रहे हो, इनके जवाब दे ही रहे हो, ऐसे ही इनके जवाब बनते हैं, करेक्ट। चलो इसका जवाब मैं बताऊं फिर अब, क्योंकि और भी चीज करनी है। इसका जवाब है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एन की वैल्यू आएगी जीरो, एन की वैल्यू जीरो आएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जवाब बनेगा, ये यहां पर आएगा, ध्यान रख लो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। अब आगे देखो, ये आपके सिलेबस में से कुछ पोर्शन को हटाया गया है, लेकिन स्टिल कुछ पोर्शन ऐसा है जिसके बारे में मैं कहूंगा आप एक दो टाइप के न्यूमेरिकल जरूर कर लें, क्योंकि नया सिलेबस मैंने जो आपके पास सेंड किया था, जो सीबीएसई की साइट से था, वहां पर अर्हीनियस इक्वेशन मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं, जैसे आपके टर्म वन में नहीं हुआ था, कई पेपर्स में कई क्लासेस में ऐसा रहा था कि पेपर के बाद में कह रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आना था, ये है वो है, कई तरह के एक्सक्यूजेज। तो एक दो चीजें आप यहां पर जरूर याद कर लें, आपके लिए बेटर होगा। जैसे अर्हीनियस इक्वेशन थी लॉग के टू बाई के वन ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू, ये फार्मूला अर्हीनियस इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लास में डेरिवेशन भी करवा रखा है आपको, आपके कॉपी के नोट्स में ये सब कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन यहां मैं आपको दो चार न्यूमेरिकल जरूर कहूंगा कि दो चार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर ली जाए, इससे आपको आसानी रहेगी। लॉग के टू बाई के वन टी वन बाई टी टू, आपको याद रखना है टी वन है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इन केल्विन, इन केल्विन, के वन क्या है रेट कांस्टेंट एट टी वन, टी वन पे जो रेट कांस्टेंट है वो हमारे पास के वन है, ऐसे ही T2 क्या है आपके पास हाई टेम्परेचर इन केल्विन, और K2 क्या है रेट कांस्टेंट एट T2, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ऐसे ही EA एक्टिवेशन एनर्जी, कल एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन वगैरह ही बता देंगे, कल ये हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। EA हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये ली जा सकती है। यहां पर ध्यान रखना है कि आर और एक्टिवेशन एनर्जी इनकी वैल्यूज को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में है
तो R की वैल्यू 8.314, अगर एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है तो R की वैल्यू 8.314 इंटू 10^-3, अगर कैलोरीज में है तो R की वैल्यू 2। इस बात को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये फार्मूले पे एक जस्ट वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि वैल्यू पुट करके क्या जवाब बनता है, क्या जवाब आता है। फटाफट से उसको जरा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि अब नए सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट एग्जामिनर का भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसीलिए हमारी तैयारी अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए। इसीलिए जरा एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, रेट कांस्टेंट आर 1 × 10^-3 एंड 2 × 10^-3 एट 27 degree एंड 37 degree, कैलकुलेट ईए। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, रेट कांस्टेंट दिया गया है। अब जरा इन वैल्यू को खुद देख लो, क्या आप समझ पाएंगे कौन सी वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? क्या है T1 क्या है? लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, तो 27 डिग्री वाला क्या हो गया T1, ये हो गया T2। लो टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो हो गया K1। यानी अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूं तो T1 होगा 27 + 273, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, K1 होगा 1 × 10^-3, T2 होगा 37 + 273, 3 × 1 = 10, K2 होगा 2 × 10^-3, ये होगा R की वैल्यू। जवाब अगर जूल में देना है तो 8.314, किलो जूल में देना है तो 8.314 × 10^-3, अगर किलो जूल में ले लेते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी का जवाब भी किलो जूल में आएगा। हर एक वैल्यू है आपके पास, K2/K1 है, R है, T2/T1, T1 - T2, जो भी है सब कुछ वैल्यू आपके पास है, बस एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बड़ी आसानी से log K2, 2 × 10^-3, 1 × 10^-3, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 और ये 8.314 × 10^-3, T2 - T1, ये हो गया T1 T2, ये हो गया, और इस तरह से ये सॉल्व करके log 2.3010, 2.303, 8.314, 10^-3 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई बाय 300, 310 डिवाइडेड बाय 10, ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, और ये सॉल्व करके 53.6 किलो जूल ये हमारे पास जवाब आएगा। बोर्ड ने शायद एनी कैलकुलेशंस को देखते हुए इस पोर्शन को मेंशन नहीं किया, इस पोर्शन को उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर एक दो चीज एक्स्ट्रा करनी पड़े तो कर लें, उसमें फिर बाद में ऐसा ना हो कि भाई ये चीज हमसे छूट गई, ये चीज रह गई, तो कोशिश करें ये एक दो चीजें जरूर कर लें, इसको छोड़ने की कोशिश ना करें। होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जरा होमवर्क में इस क्वेश्चन को कर लेना जो मैं आपको दे रहा हूं, और एक फार्मूला और आपको यहां पर बताते हैं, उसको भी आपने ट्राई कर लेना है। देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लिख लो, जरा इसका बेशक से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, ये अपना ध्यान रखो, ये आप अपने पास रखो, आपकी एनसीईआरटी के अंदर हाँ अच्छा, बच्चों ने जवाब भेज दिए थे, शाबाश बेटा, आपकी एनसीईआरटी में ये कुछ क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ये अरिहेनियस इक्वेशन है, इसका जवाब आपने यही इक्वेशन लॉग K2/K1 एटसेट्रा, यही इक्वेशन यहाँ पर बतानी है, यही जवाब बताना है। ऐसे ही रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल फॉर इंक्रीज इन 10 केल्विन, ये वही हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, K1 x मान लें, K2 10x मान लें, टेम्परेचर डिफरेंस
10 केल्विन है, यानी कोई भी टेम्परेचर मान सकते हो, 298 केल्विन और 308 केल्विन मान सकते हो, और इस तरह से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे। तो एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसका फार्मूला मैं बता देता हूं अभी, लेकिन इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीन क्वेश्चन है जो आपको साथ के साथ करने चाहिए। मैंने कहा ना, एक दो चीज एक्स्ट्रा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए खुद को अपने को अच्छे से तैयार कर लें तो वो आपके लिए बेटर होगा। ये एनसीईआरटी के तीन क्वेश्चन जो सामने दिए। अब एक फार्मूला और लिखो, एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है जो कई सालों से लगातार पूछे जाते रहे हैं, हमेशा आते रहे हैं। अब डिलेटेड पोर्शन में सब्जेक्टिव पेपर आप लोग पहली बार फेस करेंगे, क्योंकि पिछले साल हुआ नहीं एग्जाम, तो सब्जेक्टिव में पता ही नहीं क्या आता क्या नहीं आता, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नहीं पहले फार्मूला है, नंबर ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी क्वेश्चन ये है कि कोई रिएक्शन है, कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रही है, फिर हमने कैटलिस्ट डाल दिया। अब आपको ये बताना है कितने गुना रिएक्शन होगी, रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगी। आपका फार्मूला है एंटीलॉग डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। आर की वैल्यू अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में है तो 8.314, एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है तो 8.314 इंटू 10^-3, कैलरी में है तो 2। डेल्टा ई ए क्या है? डेल्टा ई ए है डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा ई ए ये रहेगा। एंटी लॉग इसके अंदर देखना होगा, एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग का वीडियो हमारा है, हमने आपको पहले भी बताया था, क्लास में एंटी लॉग देखना भी सिखाया था आपको। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में भी क्लियर कट मेंशन आपके सिलेबस में नहीं किया गया कि ये आएगा या नहीं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से इसको जरूर कर लेना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक में वैल्यू आप पुट करके दिखा देना। कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 किलो जूल। कोई रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपको 60 किलो जूल दी गई है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इट लोअर्ड टू 50 किलो जूल, तो डेल्टा ई ए क्या होगा? डेल्टा ई ए है डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी, पहले एक्टिवेशन एनर्जी 60 थी, अब 50, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 का हो गया। बस अब आपका फार्मूला लग जाएगा, एंटी लॉग डेल्टा ई ए 10 हो गया, 2.303 एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है तो आर की वैल्यू ये ले ली जाएगी, -3, टेम्परेचर 300 है, और यहां से इसका एंटी लॉग सॉल्व कर लिया जाएगा, और एंटी लॉग सॉल्व करके आपका जवाब आएगा 55 टाइम्स। ये हमारी बुक में ये न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन कोशिश करें आप इसको डायरेक्ट कर पाएं, कोशिश करें कि आप इस फार्मूले से ही इसको सॉल्व कर लें, ये आपके लिए आसान रहेगा फार्मूला। अच्छा ये और करो, एक न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, कैलकुलेटर आपके पास है, एंटी लॉग उसमें देख सकते हो। जरा एक बार इस क्वेश्चन का जवाब बताने की कोशिश करो क्या रहेगा सामने जो क्वेश्चन गिवन है। देखो ट्राई तो करो, डेल्टा ई ए निकाल लो, डेल्टा ई ए डायरेक्ट दिया गया है, कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। आर की वैल्यू सही ढंग से सिलेक्ट करो, डेल्टा ई ए को कैलोरीज में ले लो, किलो कैलोरीज में है, कैलोरीज में कन्वर्ट कर लो। आर की वैल्यू मैंने बताई थी कैसे सिलेक्ट करनी है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू 2 ली जाती है, उस हिसाब से टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। कैलकुलेटर में तो एंटी लॉग की वैल्यू फटाफट आ जाती है, देख लो आ जाएगा जवाब। ट्राई करो, पहले दो जवाब गड़बड़ हैं,
बट कोशिश करो शायद बन जाए, नहीं तो हम बता ही देंगे। कल इस चैप्टर को फिनिश करके नए चैप्टर की भी शुरुआत कर देंगे। देखते हैं नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, इट मे बी सरफेस केमिस्ट्री और इट मे बी कोऑर्डिनेशन, जैसा बनता है हिसाब किताब, जैसा टाइम बचेगा उसके हिसाब से ही उसको शुरू किया जाएगा। तो इसीलिए अच्छा, कल अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बस फिर उसका टेस्ट तैयार कर लेना, टेस्ट तैयार कर लेना, ये ध्यान रखना। अगला जो टेस्ट रहेगा वो आपका नेक्स्ट मंडे के लिए तैयार कर लो या ट्यूसडे के लिए तैयार जरूर कर लेना। कल बता दूंगा आपको कि कब आपका टेस्ट होगा, लेकिन साथ के साथ तैयार करना। आदित्य का जवाब बिल्कुल सही है। प्रांजल सॉल्व कर लो, देखो नेट पे एंटी लॉक की वैल्यू देख लो, अदरवाइज बात बन जाएगी, होपफुली जवाब आ जाएगा आपका। आदित्य का जवाब सही है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही एंटी लॉ और एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा ई ए टू 2000 कैलोरी 2.303 टू 300, इसको सॉल्व करना है। अभी मुश्किल थोड़ी है बच्चों, ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व हो सकता है, बस एंटी लॉग देखने की बात है। जो आपको आना चाहिए 2.303 इंटू 3, अब कितने का एंटी लॉग देखना है ये आपको यहाँ पर समझना था, ये बनना था। कौशल का जवाब सही है, करेक्ट आंसर है कौशल का। इशिता का भी जवाब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। प्रांजल सही है, सही आंसर। देखो यहां तक देख लो, वैल्यू जो आपने पुट की है क्या ठीक पुट किए, जो मैंने बताई है यही वैल्यू होनी चाहिए, और फिर एंटी लॉग की वैल्यू और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं जवाब बता देता हूँ। जवाब जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो जरूर ट्राई कर लें। 28 टाइम्स ये इसका जवाब आएगा। हाँ, आर्यन का जवाब ठीक है, 28 टाइम्स ये इसका जवाब आएगा। इस तरह से बच्चों जो जो न्यूमेरिकल हो सकते थे नए सिलेबस के हिसाब से, डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए। आज हम इतना ही करेंगे। कल मैंने कहा इस चैप्टर को खत्म करके नए चैप्टर की भी शुरुआत करनी है, कल उसका भी नंबर लगाएंगे, पर देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें वो कल ही देखते हैं। आप इस चैप्टर के टेस्ट की तैयारी को मेंटेन करना जरूर करो, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतनी ही। नमस्ते कौशल बेटा, ओके मनस्वी, ओके प्रांजल, जीते रहो।